कई हजार साल पहले की बात है, एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंसे का था। उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, मांगो जो वरदान मांगना है। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, उन्हें युद्ध में हरा कर उसने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से बहुत परेशान हो गए। वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी की शरण में गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक तेज प्रकाश पुंज से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इसी देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति माँ दुर्गा के रूप से जानती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष बाण इत्यादि अस्त्रों को धारण कर वे महिषासुर के नगरी की ओर भजन कर। जब महिषासुर को उनके बारे में सूचना मिली, तब वह उनसे मिलने के लिए महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा ने कहा, हे असुरराज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुमने युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा। महिषासुर ने देवी से कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध का प्रारंभ हुआ। महिषासुर काम क्रोध बस हो और माँ नष्ट हो चुका। और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक समाधान बन गया। दोनों तरफ से चक्र माँ दुर्गा स्वयं पानी शक्ति का अवतार थी। उन्होंने महिषासुर के हर शस्त्र प्रहार को नाकाम कर दिया। देवी माँ ने महिषासुर का वध कर दिया और वे पांच की रक्षा कर। तब से हिंदुओं ने नवरात्रि का त्योहार मनाना शुरू किया। हम नवरात्रि में जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी आरती गाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं।